फैजाबाद के थाना टूला क्षेत्र का सुभाष चौराहे पर स्थित बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम के सामने सुबह 5 बजे एक नवजात शिशु की रोने की आवाज़ सुनकर एक टेम्पो चालक ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची तो देखकर सन्न रह गई। लगभग 10 दिन की एक नवजात बालिका शिशु को मच्छर काट रहे थे। एक कपड़े में लिपटी हुई नवजात शिशु जोर जोर से रो रही थी। पुलिस तुरंत उसे लेकर थाने गई। फिलहाल पुलिस ने बच्ची के ज्यादा रोने बिलखने व उसकी परेशानी को देखते हुए उससे कुछ समय के लिए उस टेम्पो चालक के सुपुर्द कर दिया व चाइल्ड लाइन फैजाबाद को सूचना दे दिया। लेकिन सवाल यह है कि इस मासूम का क्या कसूर है जो दुनिया में अच्छे से आँख खोलने से पहले ही वो अनाथ हो गई। फिलहाल उस बच्ची को गोद लेने के लिए कई परिवार आ गए हैं। टूला से अनिल शर्मा की रिपोर्ट, SKH न्यूज़। चौराहे पे खड़ा हुआ था, घूम रहा था। बैंक ऑफ इंडिया जो है रामानंद कॉम्प्लेक्स के पीछे एटीएम के सीढ़ियों पर मिली थी। मैं वहाँ से गुजर रहा था, जब एक बच्ची की आवाज़ आई, मैंने वहाँ खड़ी करके देखी तो उससे क्या कहते हैं 4-5 लोग और इकट्ठे हो गए। मैंने उस बच्ची को उठा लिया और पुलिस की मदद से वो लड़की मेरे सपुत कर दी गई है, मेरी उसमें कस्टडी में। आप उसकी देखभाल के लिए जब तक उसके माँ बाप नहीं मिल जाते तब तक आप उसकी देख। टूला के अंतर्गत आज दिनांक 28/8/18 को करीब सवेरे 4 बजे टेम्पो चालक की टूला के रहने वाले उनको एक नवजात बच्ची बैंक ऑफ इंडिया ATM में वहाँ पर बरामद हुई। उनके द्वारा जो बच्ची को लाकर तुरंत पुलिस को सपोर्ट किया गया। फिर थाना प्रभारी द्वारा CWC से बात की गई है। वार्ता के क्रम में जो है आगे की कार्रवाई के लिए बच्ची को CWC फैजाबाद भिजवाया गया है।